नमस्कार, स्वागत है आपका दी ऑट्री में। और आज हम बात करेंगे श्रीलंका में तमिल कैदियों को जान से मारने की दी गई धमकी के बारे में। तो आइए देखते हैं इस पूरी खबर के बारे में। श्रीलंका में कारागार प्रबंधन राज्य मंत्री लुहान रत्वत्ते ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने तमिल कैदियों को जान से मारने की कथित धमकी दी थी, जिसके बाद तमिल राजनीतिक दलों ने उनकी आलोचना की, साथ ही मंत्री से इस्तीफा देने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की। ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्री ने देश के उत्तरी मध्य क्षेत्र में अनुराधापुर जेल के दौरे पर तमिल कैदियों को कथित तौर पर यह धमकी दी थी। कोलंबो गजट की खबर के मुताबिक रत्वत्ते ने 12 सितंबर को अनुराधापुर जेल का कथित तौर पर दौरा किया था और दो कैदियों को घुटने के बल बैठने के लिए मजबूर भी किया था और उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। तमिल नेशनल अलायंस ने यह ट्वीट में कहा, हम सरकार से मंत्री को कारागार प्रबंधन से फौरन हटाने और उनकी गिरफ्तारी और आरोपित करने एवं रविवार को अनुराधापुर में कैदियों को जान से मारने की कथित धमकी देने की फौरन जांच कराए जाने की मांग करते हैं। एक अन्य तमिल पार्टी तमिल नेशनल पीपुल्स फ्रंट ने नेता गलेन कुनाम्बलम ने भी घटना की पुष्टि की है। उन्होंने दावा किया कि मंत्री ने तमिल कैदियों को जान से मारने की धमकी दी थी। स्थानीय मीडिया में आई खबरों में आरोप लगाया गया है कि उत्तरी मध्य शहर अनुराधापुर रवाना होने से पहले मंत्री ने अपने मित्रों के एक समूह को फांसी का तख्त दिखाने के लिए देर रात कोलंबो में मुख्य जेल का दौरा किया था। स्थानीय मीडिया की खबरों में कहा गया है कि हालांकि रत्वत्ते ने कार्यालय ने उनकी इन्वॉल्वमेंट वाली ऐसी किसी घटना से इनकार किया है, देश में नियुक्त यूनाइटेड नेशन प्रतिनिधि ने भी इस कथित घटना की निंदा की है। हना सिंगर हमदी ट्वीटेड ऑन वेडनेसडे दैट इन आर वर्क ऑन प्रिजन रिफॉर्म एंड ड्रग रिहैबिलिटेशन UN Sri Lanka works to strengthen capacities to uphold the rights of all those in custody and condemns any ill treatment of prisoners. इसका मतलब जेल सुधार और नशीली दवाओं के पुनर्वास पर हमारे काम में संयुक्त राष्ट्र श्रीलंका हिरासत में रखे गए सभी लोगों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए क्षमताओं को मजबूत करने के लिए काम करता है और कैदियों के साथ किसी भी दुर्व्यवहार की निंदा करता है। इस पूरे घटनाक्रम से माहौल गर्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में।